फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि आप अपने किसी भी टेक्नो वाले डिवाइस में गाइज आपको अपने का सही तरीके से ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फ्रेंड्स, आपको अपने टेक्नो वाले डिवाइस में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंटरफेस में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइज, यहाँ पे आपको देगा स्क्रीन टाइम आउट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप इसको ऑटो स्क्रीन ऑफ भी बोल सकते हैं सिंपली फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि आपके फ़ोन में टेक्नो वाले डिवाइस में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम कैसे आती है। फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि स्क्रीन टाइम आउट को आप रखते हैं 15 सेकंड में। तो फ्रेंड्स, आपका 15 सेकंड बाद जो है यहाँ पे फ़ोन बंद हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको अपना ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फ्रेंड्स आपको 30 मिनट पे इसको इंक्रेज कर देना है। करने के बाद फ्रेंड्स आपका स्क्रीन टाइम आउट जो है 30 मिनट पर सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फ़ोन जो है 30 मिनट के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद यहाँ पे आपका फ़ोन स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको अपना ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।